तो दोस्तों यहाँ पर जो हम बात करने वाले वन प्लस कंपनी की जो नॉर्ड सीरीज है उसके दो फोन लॉन्च होने वाले हैं दोस्तों। उस फोन का नाम होने वाला है वन प्लस एन टेन और वन प्लस एन हंड्रेड। तो दोस्तों इसमें से एक फोन होने वाला है 70,000 के आसपास और दूसरा फोन होने वाला है 32,000 के आसपास। मतलब इसमें से एक फोन जो होने वाला है वो सबके बजट का हो सकता है। और वन प्लस की जो ऐसी कंपनी है जो बहुत ही बढ़िया बढ़िया फोन लाती रहती है दोस्तों। उसी दो फोन के बारे में यहाँ पर मैं क्विक डिटेल देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो आएगा ही और यहाँ पर गिव अवे भी हो सकता है। जो वन प्लस एन हंड्रेड है ना उसका गिव अवे भी हो सकता है क्योंकि ये सस्ता फोन है। तो दोस्तों वीडियो को देखते रहे, मैं हूँ सुशांत, आप देख रहे हैं साइंटिफिक माइंड। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले बात कर रहे हैं वन प्लस एन टेन के बारे में। दोस्तों इसमें प्रोसेसर लगने वाला है ऑक्टोकोर प्रोसेसर, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695G का सपोर्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों इसकी डिस्प्ले की तरफ देखा जाए तो 6.49 इंच का डिस्प्ले होने वाला है जो एचडी प्लस का होने वाला है। यहाँ पर आपको देखना चाहिए था यहाँ पर एमओएलईडी का होना चाहिए था, बल्कि यहाँ पर कंपनी ने लगाई एचडी प्लस का डिस्प्ले। और दोस्तों इसकी कैमरे की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा होने वाला है 16 MP। बैक की साइड में यहाँ पर क्वाड कैमरा देखने को मिलता है जिसमें पहला कैमरा होने वाला है 64 MP का, दूसरा होने वाला है 8 MP का, तीसरा होने वाला है 2 MP का, चौथा होने वाला है 2 MP का। यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा का सपोर्ट मिलता है। जो 64 MP का कैमरा होने वाला है सोनी का हो सकता है शायद, या कोई अलग भी हो सकता है क्योंकि वन प्लस की जो कंपनी है इसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया कैमरा आते हैं। और दोस्तों इसमें रैम होने वाले कम से कम 6GB रैम और स्टोरेज होने वाले 128GB स्टोरेज। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया होने वाला है। यहाँ पर आपको एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलता, यहाँ पर आपको हेडफोन जैक का भी नहीं सपोर्ट मिलता। जो होता है जो मेमोरी होने वाली है वो फोन की मेमोरी यूज करनी पड़ेगी। आप बात करते हैं वन प्लस एन हंड्रेड के बारे में। दोस्तों इसमें प्रोसेसर लगने वाला है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460G का प्रोसेसर लगने वाला है। इसमें 5G का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पर 6.52 इंच का डिस्प्ले होने वाला है। और दोस्तों इसमें कैमरा होने वाला है 8 MP का। बैक की तरफ देखा जाए तो ट्रिपल कैमरे का सपोर्ट मिलता है जो हमें मिलता है वन प्लस एन टेन में क्वाड कैमरे का, लेकिन यहाँ पर वन प्लस एन हंड्रेड में यहाँ पर देखने को मिलता है ट्रिपल कैमरे का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसमें से पहला कैमरा होने वाला 13 MP का प्लस दूसरा होने वाला है 2 MP का प्लस तीसरा होने वाला है 2 MP का। ये बहुत ही बढ़िया होने वाला है और सिंगल एलईडी फ्लैश के साथ आता है। कम से कम रैम होने वाला है 4GB रैम और 64GB स्टोरेज। इसमें चार्जिंग होने वाला है 18W का रैप चार्जिंग। रैप चार्जिंग तो मैंने बता ही दिया है, ये बहुत ही कमाल का होने वाला है। इसमें भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है यहाँ पर आपको मेमोरी कार्ड का नहीं सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पर हेडफोन जैक का भी नहीं सपोर्ट मिलेगा। शायद हेडफोन जैक का सपोर्ट हो सकता है वो बाद में पता चलेगा, अनबॉक्सिंग के समय में बता दूंगा दोस्तों। यहाँ पर एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की तरफ देखा जाए तो ऑक्सीजन OS 10.5 का सपोर्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों ये फोन बहुत ही बढ़िया होने वाला है, देखने में शाइनी कलर होने वाले है, दोनों ही फोन बहुत ही बढ़िया होने वाले हैं। और इस फोन में होने वाला है 5000mAh की बैटरी होने वाली जो हमें वन प्लस एन टेन में कम दिखती है, महंगा होने के बावजूद भी इसमें देखने को मिलता है 4300mAh की बैटरी जो वन प्लस एन टेन में होने वाली है, वन प्लस एन हंड्रेड में होने वाली है 5000mAh की बैटरी होने वाली है। ये थोड़ा सा सस्ता होने के बावजूद भी इसमें बैटरी ज्यादा दिए जा रही है। दोस्तों इस दोनों फोन को कंपेयर किया जाए तो ये दो फोन बहुत ही बढ़िया होने वाले हैं, बल्कि इसमें जो फीचर होने वाले थोड़े से कम ज्यादा होने वाले हैं। दोस्तों वन प्लस एन टेन जो होने वाले थोड़ा सा महंगा होने के बावजूद थोड़े थोड़े फीचर जो वन प्लस एन हंड्रेड में ज्यादा दिए गए हैं। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों इसकी फुल डिटेल में अनबॉक्सिंग के समय दे दूंगा। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।